ओम हरिज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे प्रणाम। इंडियन इंग्लिश पांचा कल्प करो विश्व कृपा सिंधु पतिदानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आप सभी गोपाल कृष्ण महाराज के हो कि नहीं, और गोपाल कृष्ण महाराज मेरे भी थे। हरी हरी। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की महोत्सव का सामना करना क्वाइट अ चैलेंज, ये चुनौती है हम सभी के समक्ष और मेरे समक्ष भी। इनके संग सानिध्य में हम रहे, और बीटीए में हो सकती है, लेकिन मैं और गोपाल कृष्ण महाराज भी एक टीम थे इस्कॉन के, और उस टीम के मेंबर गोपाल कृष्ण महाराज अब नहीं रहे। तो ऐसे स्थिति में, परिस्थिति में, मन की जो स्थिति होती है, और विरह की व्यथा, सामना करना पड़ता है। तो वैसे कहा भी जाता है, ऐसी समझ भी है कि ये तिरुभाव तिथि महोत्सव ये शोक का भी तो समय होता ही है, और साथ ही साथ वो हर्ष का विषय भी होता है। यानी लो प्रेमधान करुणा प्रचुर कोथा गेला गोपाल कृष्ण गोस्वामी ठाकुर अशोक
और साथ ही साथ हर्ष भी, क्योंकि ऐसे दिन या ऐसे क्षण जो तिरोहित होते हैं, those who will disappear from our vision, वे कहाँ पहुंचते हैं, वे नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान के लीला में प्रवेश करते हैं, तो भगवान के पास वे पहुंचे। तो ये समाचार या ये समझ फिर हमारे हर्ष का भी कारण बनता है। जो हम पिछले कितने सालों से है ना, गोपाल कृष्ण महाराज जब थे कनाडा में और श्री प्रभुपाद उनका सामर्थ्य और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो वे थे उसको समझ के प्रभुपाद ने उनको भारत बुलाया और भारत के पूरे भारतवर्ष के इंडिया जिसको हम कहते हैं पूरे भारतवर्ष के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर गोपाल कृष्ण महाराज को बनाया फॉर एंटायर इंडिया। हरी हरी। अरे तो सब कुछ तो नहीं कह सकता मैं, किंतु हुआ तो मुझे ये कहना था कि हम सो दैट वाज 1975 से लेकर कुछ दिन पहले तक, कुछ दिनों पहले तो इतने समय हम साथ में रहे, केवल रहे ही नहीं, वी वर्क टुगेदर, वी सर्व्ड श्री प्रभुपाद टुगेदर। गोपाल कृष्ण महाराज के साथ कर्स बंबई में था, ये तो मुझे, मैंने जब संन्यास लिया तो मैं ट्रैवलिंग करना चाहता था। मेरे गुरु भ्राता एक हंसदूत स्वामी महाराज जर्मन बसेस लेके आए और उसके साथ वो ट्रैवलिंग करना चाहते थे और वे मुझे चाहते थे, तो मैं भी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज मुझे, मैं जो बंबई में था उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, मैं जाना चाहता था। तो वह फिर हंसदूत महाराज और गोपाल कृष्ण, उन दिनों में वो महाराज नहीं थे, अधिकारी ही थे। तो वह वे प्रभुपाद के पास पहुंचे और गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा, लोकनाथ स्वामी इज अ की मैन प्रभुपाद इन बॉम्बे, हाउ कुड ही गो। नो, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू ट्रैवल, लेट हिम ट्रैवल, रिवॉल्व। सो इट वाज, आई वाज काइंड ऑफ रिलीज्ड फ्रॉम गोपाल कृष्ण महाराज के दिव्य चंगुल से। I'm sure this is the experience of many, many of you. Mera bhi anubhav raha. So, baad mein hum, Prabhupada ne mujhe bullock cart traveling sankirtan party ka charge diya. Wo kar rahe the, to ek samay phir, main Bombay mein tha, Prabhupada bhi the, to Gopal Krishna Maharaj socha, how could I get him back? गोपाल कृष्ण महाराज बिसाइड्स बीइंग
GBC, also a GBC trustee, the BBT trustee, तो प्रभुपाद के साथ उन्होंने विचार विमर्श करके इसको बीबीटी ट्रैवलिंग पार्टी का इंचार्ज बनाना चाहिए। तो फिर वैसे ही हुआ। सो आई वॉज पार्शियली इन बैक इन गोपाल कृष्ण महाराज कोर्ट यार्ड और फिर हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। हमारे पार्टी का नाम था नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैवलिंग पार्टी। और हम ऐसे ही हर दिन नए नगर नए ग्राम जाया करते थे और ट्रैवलिंग करते करते हम ऐसे नागपुर में पहुंचे थे। वहाँ के MLA हॉस्टल में रहते थे हमारी पार्टी। एंड वन फाइन डे आई वॉज सरप्राइज्ड। उन दिनों में SMS ऑल दिस फोन भी संभव नहीं हुआ करता था। तो गोपाल कृष्ण महाराज ही अराइव्ड एट दिस MLA हॉस्टल वाज ट्राइंग टू कैच अप विद मी। अब तक मुझे उस रहस्य का पता नहीं चला कैसे पता लगवाया महाराज ने कि हम वहां थे। और अब मुझे गोपाल कृष्ण महाराज चाहते थे राधा पारसार्थी मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के आई थिंक ही हैड लेफ्ट फॉर द वेस्ट और दिल्ली में कोई व्यवस्था देखने वाला या प्रेसिडेंट नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण महाराज यू गो टू दिल्ली। तो मैं आई रिमेम्बर 8 जुलाई 78 में मैं दिल्ली पहुंचा और महाराज ने वहां मुझे दिल्ली का टेंपल प्रेसिडेंट बनाया। सो आई वॉज बैक अगेन in the vicinity of Gopal Krishna Maharaj. And I was happy, I don't say. His association was all pleasurable. So, फिर तब से अब तक गोपाल कृष्ण महाराज का जो प्रभुपाद भारत में आने के लिए कहे भी थे तो समय एक पत्र लिखे थे और भी लिखे होंगे लेकिन एक पत्र का विशेष उनसे जिक्र करना या संक्षिप्त में गोपाल कृष्ण महाराज कहे थे बहुत समय से दिल्ली शहर में नगर में कोई विशेष मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। बस प्रभुपाद लिखे भी एक बिरला मंदिर है उसके अलावा और कोई मंदिर नहीं। यू कम तुम आओ और दिल्ली में इस्कॉन का मंदिर का निर्माण करो। ऐसा आदेश इच्छा प्रभुपाद ने व्यक्त की थी उस पत्र में। तो प्रभुपाद कि विल को कैसे गोपाल कृष्ण महाराज मैं हर विल को आई एम जस्ट मेंशनिंग जस्ट प्रभुपाद चाहते दिल्ली में मंदिर हो। ऐसा ही हम समझते थे मैं भी समझता था मैं जब टेंपल प्रेसिडेंट था अगर प्रभुपाद चाहते थे एक एक मंदिर हो। लेकिन धीरे धीरे फिर गोपाल कृष्ण महाराज कहने लगे नहीं नहीं प्रभुपाद 12 मंदिर चाहते थे। तो मैं जब प्रेसिडेंट बना तो हम लोग ऐसे प्रभुपाद ने राधा पारसार्थी की प्राण प्रतिष्ठा की आनंद निकेतन सुने वो जानते हो आनंद निकेतन जो एयरपोर्ट के रास्ते में है वहां से राधा पारसार्थी बंगाली मार्केट और वहां से तोडरमल लेन वहां भी DT शिफ्ट हुए।
वहाँ से लाजपत नगर और इन सब स्थानों पर राधा पारसारथी किराए के कोठी में रहा करते थे। कोठियों के कई सारे मालिक से भरा हुआ था, भरा पड़ा था दिल्ली, लेकिन सब भूमि गोपाल की या सर्वलोक महेश्वरम, वे भगवान किराए के मकान में रहा करते थे। तो फिर वहां से रिलोकेशन हुआ और फिर लाजपत नगर में, नॉट लाजपत नगर, लाजपत नगर ना, जीके वन M119। और फिर महाराज ने क्या किया, ही वॉज अ बीबीटी ट्रस्टी, तो उन्होंने बीबीटी से ग्रांट की व्यवस्था की एंड वी परचेज दैट हाउस फॉर फर्स्ट टाइम। किराए के मकानों में रहने वाले पार्थसारथी अब अपने स्वयं के मकान में रहने लगे। गोपाल कृष्ण महाराज ने ऐसी व्यवस्था की एंड देन वी आर लुकिंग फॉर लैंड इन दिल्ली। और गोपाल कृष्ण महाराज मुझे वो असाइनमेंट दिए ही थे, लुक फॉर लैंड। और डीडीए के कई सारे चक्कर हम मैं काटता रहा। कभी कभी गोपाल कृष्ण महाराज स्वयं भी मेरे साथ आया करते थे। तो फाइनली ये लैंड जहाँ हरे कृष्ण हिल जिसका भी नाम दिया है, उस समय का जो इस हिल का जो हाल था, कुछ कहना ही नहीं, कहना ही अच्छा है। दिस वाज एनीवे व्हाट कैन आई से। तो फाइनली मंदिर का निर्माण भी हुआ गोपाल कृष्ण महाराज। हम भी आगे पीछे थे, फिर आप में से भी कई सारे जुड़ गए और राधा पारसारथी मंदिर निर्माण हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी आए, आई थिंक कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, जस्ट फ्यू डेज प्रायर। And I think that was the first engagement. Prime Minister of India came for opening of Radha Parsharthi Temple. And right here, and then gradually हम लोग फिर पंजाबी बाग में एक कोठी मिली थी। तो anyway, वहाँ भी प्रचार शुरू हुआ, उसका एक्सटेंशन शुरू हुआ। फिर उस कोठी को भी बेच दिया। वहाँ एक समय इस्कान की मिनिस्ट्री सुरभि स्वामी, आप जानते होंगे, और डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इस्कान, तो वो मिनिस्टर के लिए वो स्थान दिया था। तो उसको भी बेच कर फिर जहाँ अभी पंजाबी बाग लैंड है, वहाँ राधा रमन की। और फिर सो दैट वाज सेकंड वन एंड द थर्ड वन, द फोर्थ वन एंड दिस वन एंड दैट वन। तो प्रभुपाद तो इनिशियली तो एक तो मंदिर बनाओ ऐसा कुछ कहे थे, लेकिन महाराज तो 18 मंदिर बनाए। हरी हरी। एंड वर्शिपिंग द डीडीज, दिस वॉज हिज फेवरेट पास टाइम, कहो क्या कहना। जैसा वीडियो मैं दिखाया सबको, अच्छा दिखाने वाले हो तो प्रभुपाद कई बार कहा करते, वी सर्व कृष्णा हाउ लॉन्ग, हाउ मच टाइम, 24 आवर्स अ डे, राइट।
So Gopal Krishna Maharaj was serving day and night, even during the sleep. Aaj pratakal ko hi maine ek video dekha, and my God, pata nahi aapne dekha ki nahi. Maharaj lete hue hai, he's in deep sleep, and he's doing arati. Lamb ka hua, phir chamar. Sare article, one after another, this went on and on for maybe five or some several minutes. He's hurry, hurry. Hurry. Was fully, totally absorbed in Krishna consciousness or serving Krishna, serving Prabhupada's ISKCON throughout his life, or I do not know anyone except Gopal Krishna Maharaj as hardworking leader, as much hard work that, and full of anxiety also for ISKCON. He was always in anxiety. Sab sab chinta mein raha karte the. Kabhi kabhi wo brajamandal parikram aate the to waise unka agman chinta haran wahan aaya karte the. Main kehta tha, Maharaj yahan prarthana karo. या यशोदा भी यहाँ प्रार्थना किया करती थी ताकि वो चिंता से मुक्त हो, ता भी प्रार्थना करो. मैंने प्रार्थना करने पर भी चिंता से मुक्त होते ही नहीं थे, चिंतित रहते थे. उनकी चिंता तो चिंतन ही रहता था. सो सच ए पर्सनैलिटी. And फिर आखिरी सांस तक मैं तो कह ही सकता हूँ उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहे. और आखिरी सांस तक जब देहरादून में, आप जानते ही हो, तो वह डॉक्टर बुला रहे थे. आप में से एक या डॉक्टर को बुलाया, आप चलिए. सो वी अंडरस्टूड देयर इज सम इमरजेंसी. फाइनली लास्ट डे की बात है, तो मैंने इंसिस्ट किया मैं भी जाना, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो. तो गार्ड्स वगैरह दे वर ट्राइंग टू कीप मी आउट, लेकिन आई इंसिस्टेड एंड मैंने मैनेज किया, और मैं भी गोपाल कृष्ण महाराज के साथ वहां रहा. तो डॉक्टर्स पूरा प्रयास कर रहे थे टू, इसको हार्ट का इश्यू था, तो उस समय भी अगेन क्रॉप्ड अप व्हेन ही वाज, दे वर ट्राइंग टू रिवाइव द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट. बहुत समय से प्रयास कर रहे थे. तो मैं वहां था, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि महाराज स्टिल हमारे साथ है कि प्रस्थान तो नहीं किए. और मैं ऐसे वन मोर टाइम निवेदन करने वाला था, डोंट गो, स्टे विथ अस, स्टे लॉन्गर विथ अस. तो पता लगवाने के लिए, इज ही स्टिल हियर? तो मैंने जोर से कहा, अरे कृष्णा, आपको नहीं, मैंने महाराज को. तो पता है महाराज ओपन्ड हिज, अदरवाइज यू नो ही वाज मोशनलेस, एक्शनलेस, बट देन ओपन्ड हिज माउथ आउट, ओपन्ड हिज माउथ. आई कुड सी द मूवमेंट ऑफ हिज टंग, बट इन दैट स्टेट there was no boost. I did not hear. Oh, Hare Krishna, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन वही तो कहा या वो कहना चाहते थे. सो अंतिम शब्द उनके मुखारविंद से जो निकले थे वे थे, अरे कृष्णा.
एंड देन कुछ मिनटों के उपरांत डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली डिक्लेयर्ड दैट महाराज वॉज नॉट विद अस एनी मोर. So he has done so much for the whole world, for whole Delhi also. For you also, he did so much. Yes, no? No. So certainly you must be feeling gratitude. He was such a grateful person. So ये जो ऋण महाराज ने, ये हम ऋणी है, हम सभी ऋणी है गोपाल कृष्ण महाराज के. तो क्विकली श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के मध्य में भी संवाद हो रहा था इस संबंध में. गुरु के आचार्यों के जो ऋण है, क्या उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही थी. तो श्रील प्रभुपाद से जब पूछा था कि ऐसे ऋण से मुक्त हो सकते हैं, तो प्रभुपाद पहले तो नो, देयर इज नो वे यू कैन नॉट बिकम फ्री फ्रॉम सच डेट. और थोड़ा रुक के प्रभुपाद, आफ्टर लिटिल पॉज, यस यस देयर कुड बी वन थिंग यू कुड डू, व्हाट इज दैट प्रभुपाद? तो प्रभुपाद कहे थे, यू डू एज आई डिड. अब इसका मैं आई विल नॉट कमेंट, आई विल नॉट अनपैक दिस जो प्रभुपाद कहे. तो यदि आप प्रयास तो कर सकते हो मुक्त होने का, ऋण से मुक्त होने का, तो क्या करना होगा? आई थिंक जो प्रभुपाद ने कहा तो गोपाल कृष्ण महाराज भी कहे होंगे, नहीं कहे होंगे. मैं तो कहना चाहता हूं उनकी ओर से, आप भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम गोपाल कृष्ण महाराज ने जैसा किया, ऑफ कोर्स हम लोग नकल तो नहीं कर सकते, नो इमिटेशन पॉसिबल, लेकिन फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज इतना तो कर ही सकते हैं हम. तो आप तैयार हो? नॉट लाउड इनफ. A little louder. Thank you. Anyway, I will. I'm known for long talks, and I'm going to take one more minute. और वो ये है कि अरे अरे Is anything I could do आपके लिए? I cannot do as much or the way गोपाल कृष्ण महाराज आपके लिए करते थे, लेकिन anything मेरी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि के अनुसार, तो do not hesitate to communicate with me and I will be around. मैं आपकी सेवा या सहायता या जो भी कहो, ऐसा देना या करना मैं अपना फर्ज या उत्तरदायित्व समझता हूँ गोपाल कृष्ण महाराज के फिजिकल अनुपस्थिति में. तो मेरे इस निवेदन को आप स्वीकार या सोच कर स्वीकार या कर सकते हो, इट्स अप टू यू.
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभावतिथि महोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। राधा पार्थ सारथी की जय। श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की। थैंक यू वेरी मच महाराज। थैंक यू फर्स्ट फॉर एग्रीइंग टू कम, secondly for agreeing to render this wonderful offering and inspiration, and thirdly for handing over the gift to Vedvyas Prabhu to fulfill Guru Maharaj's will.